हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम आपके लेकर आए हैं हीरो पैशन प्रो और हीरो पैशन एक्सटेक का डिटेल कंपैरिजन वीडियो। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करके बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक परफेक्ट है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट होगी, किस में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलता है और किस में आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है, तो ये सारा कुछ डिटेल्स पे हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों बाइक के फ्रंट लुक से। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका लुक और डिज़ाइन देख रहे हैं दोनों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पैशन प्रो का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट वाइजर आपको मिलती है ब्लैक कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 3D में हीरो का लोगो मिलता है इस बाइक में फ्रंट में। और हेडलाइट की बात करें तो इसमें जो आपको हेडलाइट ऑफर की जाती है पैशन प्रो में, तो आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब की हेडलाइट लगी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हैलोजन बल्ब की इसमें हेडलाइट लगी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है येलो कलर की। जैसा कि यह बाइक है तो इसमें आपको ग्राफिक्स वर्क थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाती है पैशन प्रो में। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो साइड में, आप दोनों साइड में, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्राफिक्स दिया हुआ है। अब बात करें यहाँ पर पैशन एक्सटेक की, तो इसका जो वाइजर आपको मिलता है थोड़ा इसमें स्लिम रखा गया है। देन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका वाइडर आपको वाइजर मिलता है। बट इसका आप यहाँ पर देखेंगे तो आप थोड़ा सा स्लिक आपको इसकी डिज़ाइन मिलती है, कुछ इस तरह से इस पर कट्स बने हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो हीरो का जो लोगो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट ऑफर की जाती है कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट की सेटअप दी गई है विथ LED DRL के साथ पैशन एक्सटेक में। यहाँ पे आप देखेंगे LED DRL से आपको SF में इसे ऑफर किया जाता है। LED हेडलाइट्स मिलती है, हाई बीम लो बीम आपको मिलती है। और जो हेडलाइट आपको मिलती है इस पर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट दिया गया है, तो LED DRL के साथ आपको इसमें मिलती है। बट इसमें आप देखेंगे तो आपको पैशन प्रो में आपको कोई DRL इसमें नहीं दिया गया है। अब आगे बढ़े और बात करें इसमें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको सस्पेंशन दोनों बाइक का सेम मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें लगा हुआ है और पैशन प्रो में भी आपको जो सस्पेंशन लगे मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है। तो सस्पेंशन के मामले में दोनों बाइक में आपको सेम मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे पैशन एक्सटेक में तो दोनों में सस्पेंशन की अगर कंपेयर करें तो सस्पेंशन आपको सेम मिलती है। फ्रंट फेंडर की तरफ आए तो इसमें आपको जो फ्रंट फेंडर मिलता है यहाँ पे जो बॉडी कलर है सेम उसी कलर में यहाँ पे ऑफर किया गया है, कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से आपको मिलती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके फ्रंट फेंडर की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट फेंडर कम्प्लीटली ब्लैक कलर का प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि यह बाइक आपको ब्लैक कलर में ऑफर की जाती है, तो कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कलर का इसका फ्रंट फेंडर ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे जो सस्पेंशन मिलती है तो दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर लगे मिलते हैं दोनों बाइक में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैशन प्रो में भी दोनों बाइक में आपको यहाँ पर फ्रंट में रिफ्लेक्टर इसमें ऑफर किया जाता है। अब बात करें दोनों बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम का, तो फ्रंट में जो ब्रेकिंग लगी हुई है आप यहाँ पर देखेंगे दोनों बाइक, जैसा कि ड्रम वेरियंट है तो दोनों बाइक में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है फ्रंट और रियर दोनों साइड में। पैशन एक्सटेक में तो इसका जो ब्रेकिंग आपको मिलती है IBS ब्रेकिंग दिया हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है, 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको पैशन एक्सटेक में आपको ब्रेकिंग लगी मिलती है। और टायर क्वालिटी यही बात करें तो इसमें आपको व्हील साइज मिलती है 18 inches का व्हील साइज दिया हुआ है। टायर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें जो आपको टायर लगे मिलते हैं 18x100 18 inches का इसमें ट्यूबलेस टायर फ्रंट में प्रोवाइड किया गया है पैशन एक्सटेक में। तो ये रहा फ्रंट प्रोफाइल पैशन एक्सटेक का। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा पैशन प्रो का, तो इसमें आप फ्रंट टायर प्रोफाइल देखेंगे तो आपको इसमें जो व्हील साइज आपको लगी मिलती है 18 inches का व्हील साइज है। और टायर प्रोफाइल भी आपको सेम वही मिलता है फ्रंट में जैसा कि एक्सटेक में दिया हुआ, तो आपको इसमें भी 18x100 18 inches का ट्यूबलेस टायर फ्रंट में ऑफर किया गया है। और ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें भी आपको IBS ब्रेकिंग लगी मिलती है, 130mm का इसमें ड्रम ब्रेक फ्रंट में प्रोवाइड किया गया है। एलॉय व्हील का पैटर्न आपको सेम वही मिलता है। तो व्हील साइज आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है। अब गाइस बात करें इसमें रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो आप यहाँ पे देखेंगे पैशन एक्सटेक में जो सस्पेंशन आपको मिलती है क्विंस ऑफ एब्जॉर्बर लगा हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे पैशन प्रो में भी तो सेम आपको सस्पेंशन मिलती है, तो इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है दोनों बाइक में। सस्पेंशन आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में जो व्हील साइज आपको मिलती है 18 inches का रियर में भी व्हील साइज प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 18x100 18 inches का ट्यूबलेस टायर रियर में भी प्रोवाइड किया गया है। और
इसमें ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं रियर में भी, और एग्जॉस्ट आप यहाँ पर देखेंगे पैशन एक्सटेक का तो कुछ इस तरह से इसमें एग्जॉस्ट आपको मिलती है। और गाइस यहाँ पे देखेंगे जो पैशन प्रो है इसमें आपको जो रियर में सस्पेंशन और ब्रेकिंग प्रोवाइड किया गया है, रियर में भी आपको यहाँ पे जो सस्पेंशन पैशन एक्सटेक में दिया हुआ था सस्पेंशन पिन शॉक एडजस्टर रियर में भी इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। तो आपको सस्पेंशन के मामले में दोनों बाइक में सेम मिलता है सस्पेंशन रियर में। और रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में इसमें आपको जो टायर लगा मिलता है 18 इंचेस का भी साइज़ है 18x100 18 इंचेस का इसमें रियर में ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया गया है। और ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको इसमें ब्रेकिंग जो लगी मिलती है पैशन प्रो में 130 mm का इसमें ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। ब्रेकिंग और सस्पेंशन दोनों बाइक में आपको सेम मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो एग्जॉस्ट आपको कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे पैशन एक्सटेक का साइड प्रोफाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड प्रोफाइल तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे टैंक कॉल पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पैशन यहाँ पे 3D में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको टैंक कॉल पर पैशन 3D में लिखा मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और एक्सटेक की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो इसका टैंक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्राफिक्स दिया हुआ है ब्लैक कलर में आपको मिलती है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे साइड में तो i3s और रियर साइड में आपको हीरो की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे देखेंगे पैशन प्रो में तो आपको यहाँ पे पैशन जो लिखा हुआ है टैंक कॉल पर तो आपको यहाँ पे पैशन स्टिकर फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, जबकि पैशन एक्सटेक में आपको यहाँ पे 3D में लगा मिलता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक आप देखेंगे दोनों बाइक का तो आपको सेम मिलता है, फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है आपको सेम मिलती है। आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 10 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ दोनों बाइक में, इसमें भी फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का प्रोवाइड किया गया है तो इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है दोनों बाइक में। अब सिटिंग कम्फर्ट की बात करें तो इसमें आपको इस तरह से इसमें सीट प्रोवाइड किए गए हैं पैशन एक्सटेक में, सिंगल सीट आपको मिलती है 799 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। और कुशनिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इस बाइक में। पैशन प्रो की बात करें तो इसमें भी आपको सेम वही सीट लगी मिलती है, सिंगल सीट इसमें प्रोवाइड किया गया है, 799 mm का सीट हाइट आपको इसमें भी मिलता है। तो सिटिंग कम्फर्ट दोनों बाइक में आपको सेम मिलती है कुछ इस तरह से इसमें सीट प्रोवाइड किया गया है। और राइट साइड में आप देखेंगे पैशन एक्सटेक में तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम i3s, और रियर साइड में आपको हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, स्टिकर में लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा पैशन प्रो का, तो पैशन प्रो में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पैशन इस तरह से लिखा हुआ टैंक कॉल पर, और यहाँ पे भी प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम i3s, और रियर साइड में आपको यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे दी हुई है जो ग्राफिक्स दिए हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है इस दोनों बाइक में। अब बात करें इसके रियर प्रोफाइल की तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। रियर साइड में तो हीरो की ब्रांडिंग आपको मिलती है, प्लेन ग्रेप्स इसमें इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, मेटलिक आपको इसमें लगा मिलता है दोनों बाइक में, सेम वही आपको मिलती है जैसा कि पैशन एक्सटेक में दिया हुआ है, सेम वही प्लेन ग्रेप्स दोनों बाइक्स में आपको मिल जाती है। और रियर साइड में देखेंगे तो हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। और अब टेल लाइट की बात करें तो दोनों में आपको जो टेल लाइट लगी मिलती है, बल्ब में टेल लाइट लगे हुए हैं आप इसमें भी देखेंगे पैशन एक्सटेक में, इसमें भी बल्ब वाले टेल लाइट प्रोवाइड किए गए हैं। और रियर टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर लगे हुए हैं, 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर दोनों बाइक में प्रोवाइड किया गया है, रियर साइड में रिफ्लेक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं जैसा कि पैशन प्रो में दिया हुआ है। यहाँ पर टेल लाइट आप देखेंगे इसका, और टर्न इंडिकेटर भी आपको सेम ही मिलते हैं। तो रियर प्रोफाइल कुछ आपको सेम मिलता है दोनों बाइक का। अब गाइस बात करें इसमें स्विचेस की तो आप यहाँ पर देखेंगे पैशन एक्सटेक में आपको जो स्विचेस प्रोवाइड किया गया है बाइक के लेफ्ट हैंड पर, पासिंग लाइट की आपको स्विच मिलती है, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर और हार्न के यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड पर तो आपको यहाँ पर i3s ऑन ऑफ करने का स्विच और पावर स्टार्ट का आपको स्विच मिल जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैशन प्रो का तो इसमें भी आपको सेम वही स्विचेस ऑफर किया गया है, पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर और हार्न के यहाँ पर स्विच मिलता है बाइक के लेफ्ट हैंड पर। और राइट हैंड पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर पावर स्टार्ट का स्विच मिलता है, और हैंडलिंग पोजिशन आपको सेम मिलती है दोनों बाइक में कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों जो इसमें आपको मेन चेंजेस देखने को मिलता है इस बाइक पे पैशन एक्सटेक में, तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल इस तरह से इसमें ऑफर किया गया है, ऑन करने पे कैसे दिखता है तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है विथ कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है इसमें पैशन एक्सटेक पे। तो आप यहाँ पे ट्रिप पे किलोमीटर फ्यूल इंडिकेशन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकेंगे। और जो हीरो का राइड कनेक्ट ऐप है उससे आप पेयर करते हैं तो जो भी कनेक्टिविटी फीचर्स है आप उसका कनेक्टिविटी फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे इनकमिंग कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं पैशन एक्सटेक में जो फीचर्स दिया गया है। ऊपर साइड में आपको फ्यूल इंडिकेशन, नेटवर्क लाइट,
इंजन चक्की लाइट, टर्न इंडिकेटर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है पैशन एक्सट्रैक्ट में। तो ये सबसे बड़ा अपडेट आपको मिलता है पैशन एक्सट्रैक्ट में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर पैशन प्रो का। तो पैशन प्रो में आप देखेंगे तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किलोमीटर, टर्न सिग्नल, न्यूट्रल लाइट, इंजन चक्की लाइट, और यहाँ पे जो डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिप पे किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा जो अपडेट आपको मिलता है पैशन एक्सट्रैक्ट में मीटर कंसोल में ही मिलता है। तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है और भी बाकी चीज़ें आपको सेम मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फ्रंट में यूएसबी चार्जिंग सॉकेट आपको फ्रंट में ही प्रोवाइड किया गया है। पैशन प्रो में भी देखेंगे तो आपको फ्रंट में यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है। अब बात करें दोनों बाइक के इंजन की, तो पैशन एक्सट्रैक्ट में जो इंजन पावर आपको मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 9 BHP की आपको पावर मिलती है पैशन एक्सट्रैक्ट में, और 9.79 Nm का आपको टॉर्क मिलता है इस बाइक में। और पैशन प्रो की बात करें तो पैशन प्रो में जो इंजन पावर आपको मिलती है 9.02 BHP की आपको पावर मिलती है इसमें, और 9.89 Nm का टॉर्क आपको मिलता है पैशन प्रो में। तो ये थोड़ा बहुत आपको इंजन पावर में डिफरेंट मिलता है, बाकी इंजन सेम है। अब गाइस बात करें इसमें दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों बाइक में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 180 Mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है दोनों बाइक में। आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है। सो गाइस दोनों बाइक में आपको साइड स्टेट इंजन कटऑफ का सेंसर मिलता है। पैशन एक्सट्रैक्ट में भी साइड स्टेट इंजन कटऑफ का सेंसर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आपको साइड स्टेट इंजन कटऑफ का सेंसर इसमें आपको मिलती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैशन प्रो में, तो इसमें भी आपको साइड स्टेयर इंजन कटऑफ का सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो ये फीचर्स आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है पैशन प्रो और पैशन एक्सट्रैक्ट में। अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो सबसे पहले आप सुन रहे हैं एग्जॉस्ट नोट पैशन प्रो का। और अब आप सुन पा रहे हैं पैशन एक्सट्रैक्ट का एग्जॉस्ट नोट। सो गाइस ये रहा पैशन प्रो और पैशन एक्सट्रैक्ट का डिटेल कंपैरिजन वीडियो, जिसका वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको क्या क्या दोनों बाइक में सेम मिलती है, क्या क्या डिफरेंस मिलता है, उसका डिस्कस मैंने वीडियो में किया हुआ है। तो पैशन एक्सट्रैक्ट में जो आपको फीचर्स बात करें तो इसमें आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलता है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया है जैसा कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बट आपको इसमें पैशन प्रो में जो नॉर्मल है इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है, तो इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं मिलता है। ओवरऑल फीचर्स आपको इसमें ज़्यादा मिलते हैं। ब्रेकिंग और सस्पेंशन की बात करें दोनों बाइक में, तो ब्रेकिंग आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है। सस्पेंशन देखेंगे तो आपको दोनों बाइक में सेम दिया हुआ है, फ्रंट और रियर दोनों ब्रेकिंग आपको सेम मिलती है। और इंजन में आप देखेंगे तो इंजन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। इसमें आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर का इसमें इंजन प्रोवाइड किया गया है, बट इसमें आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है नीचे साइड में। तो इंजन पावर आपको दोनों में सेम मिलती है, थोड़ा बहुत पावर में आपको डिफरेंस मिल सकता है दोनों बाइक में। और साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का सेंसर आपको मिलता है। सीटिंग कम्फर्ट आपको दोनों बाइक सेम मिलती है, 799 Mm का सीट हाइट दिया हुआ है। और रियर साइड में देखेंगे तो रियर में भी सस्पेंशन आपको दोनों बाइक में सेम मिलती है, ब्रेकिंग भी इसमें सेम दिया हुआ है, टेल लाइट आपको सेम मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। दोस्तों अगर आप फीचर्स लोडेड बाइक लेना चाहते हैं तो आप पैशन एक्सट्रैक्ट की तरफ जा सकते हैं, नॉर्मल लेना चाहते हैं तो आप पैशन प्रो की तरफ जा सकते हैं। तो जो इसके प्राइसिंग है, तो इस बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस है पैशन एक्सट्रैक्ट का 75,000 के अराउंड इसकी एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट होती है। और पैशन प्रो की बात करें तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस है 74,000 के अराउंड इसकी एक्सोरूम प्राइस है। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपेरिजन वीडियो पैशन एक्सट्रैक्ट और पैशन प्रो का, जिसका डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। माइलेज भी आपको सेम मिलती है नियर अबाउट। तो दोस्तों इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया हुआ है पैशन एक्सट्रैक्ट का, तो आप उसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पैशन प्रो और पैशन एक्सट्रैक्ट का डिटेल कंपेरिजन वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।